महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों व शरारती तत्वों पर नकेल कसने के लिए हाईकोर्ट के आदेशानुसार पिंजौर के चंडी मंदिर पर नाका लगाकर सुनील सिंह सहित 10 ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने ब्लैक फिल्म के चालान काटे। इन चालानों की संख्या जनवरी माह में पूरे पंचकुला में 40 के करीब बताई जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसआई सुनील कुमार ने बताया कि 1 जनवरी से प्रतिदिन यह नाका लगाया जा रहा है व ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जाते हैं तथा उन्हें दोबारा ऐसा न करने के लिए भी जागरूक किया जाता है। ये जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, ब्लैक फिल्म जितने चालान करते हैं तकरीबन इस महीने में 40 के आसपास चालान हमने किए हैं और पिछले साल बहुत ज़्यादा मात्रा में चालान किए गए हैं। रेड जैसे कोई रेड जंप करता है, ओवरटेकिंग करता है और स्पीड में चलाते हैं उनको हम चालान करते हैं। वहीं नाके पर खड़े अन्य अधिकारियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ब्लैक फिल्मिंग वाली गाड़ियों के चालान काटने की बात कही। सड़क सुरक्षा के बारे में चालान किए जा रहे हैं जिनमें विदाउट हेलमेट ब्लैक फिल्म और ये बिना कागजात गाड़ियाँ नंबर प्लेट नहीं है और रिफ्लेक्टर नहीं है, ये आम जनता की भलाई के लिए और उनको समझाया भी जा रहा है कि अनहोनी मौत ना मरे, बिना जो बिना हेलमेट पाए हुए अनहोनी मौत मर जाते हैं तो उनको थोड़ा समझाया जा रहा है और जो नहीं मानते चालान भी किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किसी भी तरह के वाहन में ब्लैक फिल्मिंग वर्जित है, लेकिन बावजूद उसके बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों पर ब्लैक फिल्मिंग लगाकर नियमों की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा चलाई गई यह मुहिम सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।